बहुत बहुत स्वागत है सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए वैकेंसी आ रखी है शिक्षकों की। टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी कुछ दिनों में किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जो बच्चे बिहार में ही रहते वही फॉर्म भरेंगे, आसपास के राज्यों के बच्चे, जो बच्चे इसमें भर्ती में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, लेकिन नौकरी आपकी बिहार में ही होगी, ठीक है, वो भी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, अभी ये बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा ये चीज़ अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है, ये सिर्फ जिसे कहा गया है फिर वो न्यूज़पेपर में छप गया, ऐसी चीजें हुई। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कि वेबसाइट में करते हैं कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गए, वो चीज अभी तक नहीं हुई है। 2-3 दिन में होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक ये कहा गया है कि ये 15 तारीख से, ठीक है, आज 11 तारीख हो गई है, 15 जून से आपके, ये हमने मार्कर बहुत गलत दिया, 15 तारीख से आपके जो है ना फॉर्म चालू हो जाएंगे, ठीक है, और जो है ना 18 जुलाई तक मेधा सूची तैयार हो जाएगी। देखिए ये जो वैकेंसी है सिर्फ मेरिट बेस पर बनने वाली है, बस आपको फॉर्म भर देना है, गवर्नमेंट मेरिट बनाएगी, जो बच्चे आ जाएंगे उन बच्चों को जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये इसका आपका रहने वाला प्रोसीजर है, ठीक है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है cbsc.bihar.nic.in। और जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं कि 15 जून से आपके चालू हो जाएंगे, ये कुछ खबर यहाँ से लिखी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मोटी मोटी बात जो थी वो आपको बता दी। और ये कहा गया है कि ये 2.5 महीने में शिक्षक भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ रफ्तार है। देखिए 15 जून से चालू है और यहाँ मैं आपको नीचे करके दिखाऊँ, नियुक्ति पत्र तक 31 अगस्त को नियुक्ति पत्र दे देंगे, मतलब कि आधे जून से जुलाई और अगस्त, मतलब 2.5 महीने में वैकेंसी पूरी होने वाली है, तो कई बच्चों को इसमें नौकरी मिलने वाली है। 94,000 एक अच्छी वैकेंसी हो जाती है। अब थोड़े से पद आपको बता देता हूँ शिक्षक भर्ती में। प्राइमरी टीचर के इतने पद हैं करीब, मिडिल स्कूल टीचर के इतने हैं, बेसिक एजुकेशन टीचर के इतने हैं, हायर एजुकेशन के इतने पद हैं और कंप्यूटर शिक्षक के इतने पद होने वाले हैं। अब इसमें जो बच्चे सीटेट के है वो बच्चे तो इसमें फॉर्म भर ही सकते हैं, क्योंकि सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट की होती, चाहे आप MP या किसी अन्य राज्य के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, सीटेट कर रखी तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। या आपने बिहार का जो हर राज्य का अपना टेट एग्जाम होता है, जैसे यूपी टेट होता है, हरियाणा टेट होता है, पंजाब टेट होता है, ऐसे बिहार टेट भी होता है, अगर आपने बिहार की टेट परीक्षा दे रखी तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, या आपके पास DL की उपाधि है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो ये चीज़ की कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और बाकी जब नोटिफिकेशन डिटेल में जारी हो जाएगा तो हम आपको लेके आएंगे, सारी जानकारी लेकर आएंगे और एक एक चीज़ आपको बड़े ही विधिवत ढंग से आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।